अस्सलाम वालेकुम टू क्लास, डायरी पे डेट मेंशन करें। डेट 27 है और डे ट्यूसडे है। देखें इसी तरह हमने अपनी सारी नोटबुक्स कवर करना है। मैथ का देखें आज हमने पेज नंबर 28 करना है और पेज नंबर 30 हाफ करना है। देखें पेज नंबर 28 देखें, टेंस और वंस इसके टॉप पे राइट किया हुआ है। नेक्स्ट देखें, जैसे हम पिछले यूनिट में कर रहे थे, ये कितने टेंस हैं, 110 हैं और कितने वंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये कितने वंस हैं, 11 वंस हैं। इसी तरह ये कितने टेंस हैं, 1 और 2 टेंस हैं और ये 1 वंस हैं। तो ये कितने 11 वंस को और 110 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो 21 आएगा, और 2 टेंस को और 1 को भी प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आएगा इकट्ठा करेंगे तो इनको हमारे पास आंसर जो आएगा वो 21 के इक्वल होगा। नेक्स्ट देखें, इसमें कितने टेंस हैं, इसमें 110 है, इधर हमने 1 राइट किया हुआ है, और वंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 16 वंस हैं। इसी तरह इसमें नेक्स्ट जो है, इसमें 2 टेंस हैं और वंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 6 वंस हैं, और 110 और 16 वंस जो है वो 26 के इक्वल होता है। ये 210 और 6 वंस के इक्वल होता है, ये दोनों किसके इक्वल हैं, 26 के इक्वल हैं। नेक्स्ट देखें, ये कितने टेंस हैं, 1 और 2, ये 2 टेंस हैं और वंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 वंस हैं। इसको आगे कितने हैं, 3 टेंस हैं और 4 वंस हैं, तो ये दोनों साइड्स इक्वल हुई 34 के, ये 34 के इक्वल हुई। नेक्स्ट देखें, ये कितने टेंस हैं, 1 2 3 4 टेंस हैं और वंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये 12 वंस हैं। और इसी तरह इसको हमने राइट करना है। इसके बाद ये कितने टेंस हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 टेंस हैं और 1 और 2 वंस हैं। इसी तरह आपने राइट करना है विच इज़ द बिगेस्ट ग्रुप, जो सबसे बड़ा ग्रुप है वो है 5 टेंस एंड 2 वंस, तो ये 52 का ग्रुप सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा ग्रुप जो है वो 21 का है, 2 टेंस एंड 1 वंस। इसी तरह आपने जो एडिशन के क्वेश्चन है वो करने हैं पेज नंबर 30 पे। पेज नंबर 30 पे एडिशन के क्वेश्चन देखें, एडिशन कन्वर्टिंग वंस, देखें 6 और 6 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 12 आएगा। 12 का 2 हम इधर राइट करेंगे और 1 हमारा ऊपर कैरी चला जाएगा, इधर हमने 1 कैरी ले लिया तो हमारे पास ये क्या बन गया, 1 और 2 3। नेक्स्ट देखें, 8 और 4 12, 2 और 1 कैरी चला गया तो क्या बना, 1 और 3 और 1 4। इसी तरह 8 और 5 13, 13 का 3 इधर आ गया और 1 कैरी चला गया, 5 और 1 6। डी पार्ट देखें, 4 और 7 11, 11 का 1 इधर आ गया और 1 कैरी चला गया, 1 और 6 7। ई पार्ट देखें, 6 और 7 13, 13 का 3 इधर आ गया और 1 कैरी चला गया, 1 और 3 4, 3 और 1 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4। इसी तरह 7 और 8 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 15, 5 इधर आ गया और 1 कैरी चला गया, 8 और 1 9। इसी तरह 6 और 9 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 15, 5 इधर और 1 कैरी चला गया, 4 और 1 5। लास्ट वाला क्वेश्चन देखें, 1 और 8 9 और 7 एज इट इज़ नीचे आ गया। ये इसी तरह आपने एडिशन के क्वेश्चन करने हैं। रिटर्न वर्क देखें आपने इसका कैसे करना है। लेक्चर नंबर, डेट और डे मेंशन करने के बाद आपने यूनिट का नेम राइट करना है। यूनिट का नेम है एडिशन, 2 लाइन्स छोड़ के और साइड से 1 लाइन छोड़ के, 1 बॉक्स छोड़ के आपने राइट करना है 110 and 11 वंस, और फिर 2 टेंस एंड 1 वन इज इक्वल टू 21, 110 and 16 वंस, ये 110 है और 16 वंस, 2 टेंस एंड 6 वंस इज इक्वल टू 26, 2 टेंस एंड 14 वंस, 3 टेंस 4 वंस इज इक्वल टू 34।
इसी तरह 4 10 and 12 1s, 5 10s and 2 1s इज इक्वल टू 52। ये आपने नीड्स अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करना है।